साथियों और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये घर में बेकार से पड़ी हुई चीज़ों से हमने इसको बनाया है। इसमें कोई भी ज़्यादा खर्चा हमारा नहीं हुआ है। ये बड़ा ही सुंदर सा खिलौना है। इसे आप सिंपल प्रोपेलर या फिर मैग्नेटिक प्रोपेलर कह सकते हैं। मैग्नेटिक प्रोपेलर क्यों कहते हैं, तो इसको मैं अभी बताऊंगा आपको, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, ये बड़ा सुंदर सा सेटअप है हमारा। ये प्रोपेलर जो है ऐसे निकल जाता है। ये हमने कागज़ का बनाया है, कागज़ की गोल शेप में काट के उसको पंख दिया, इस तरह से काट लिया है और पंखड़ियों को ऊपर की दिशा में ऐसे मोड़ दिया है, ताकि जब सीलिंग फैन की हवा इनके ऊपर पड़ती है तो ये बड़े आसानी से घूमने लग जाता है। ये साइकिल की स्पोक है, साइकिल की ताड़ी जो होती है घर में पड़ी रहती है, या फिर आप 2 रुपये की दुकान से भी लेकर आ सकते हैं। ये नीचे एक प्लास्टिक का हमने वाशर टाइप का इस्तेमाल किया है, जो इसका सपोर्ट देकर रखता है पंखड़ी को, ताकि ये एक ही जगह पे फिक्स रहे। नीचे ये हमने एक बोतल का ढक्कन इस्तेमाल किया है और इसमें एक बटन इस्तेमाल किया है जो चिटकनी टाइप का होता है, जो कोट में इस्तेमाल करते हैं ना हम। इसमें एक थोड़ा सा गड्ढा सा टाइप का होता है ग्रूव, उसमें हमारा जो रिफिल का ये पॉइंट है, ये आगे का आसानी से ऐसे आ जाएगा नीचे। इसमें हम स्पोक को फंसा देंगे और ये बड़े आसानी से, फिर दोनों मिलके बड़े आसानी से बुश बियरिंग का काम करते हैं। ये बड़ी आसानी से घूमते हैं, इसमें कोई भी घर्षण बल महसूस नहीं होता इसको, और जो हमारा प्रोपेलर है बड़ी आसानी से घूमता है, ठीक है ना। अब हम इसको लगा देंगे यहाँ पे। अब हमने इसको मैग्नेटिक प्रोपेलर क्यों कहा था, ये आपको अभी पता चल जाएगा। ये लग गया है, आप ये देख रहे हैं आप, ये न्योडाइमियम की चुंबक होती है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चुंबक होती है, सिरामिक चुंबक के मुकाबले बड़ी स्ट्रॉन्ग चुंबक है। इसको हम नीचे लगा देंगे यहाँ पे। अब ये बन गया हमारा मैग्नेटिक प्रोपेलर। अब इसको अब देखिए, ये हमने स्पाइरल टाइप का लोहे का एक तार लिया है, इसको स्पाइरल शेप में मोड़ लिया है। अब इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे, तो ये बड़ी आसानी से ऐसे राउंड एंड राउंड घूमना शुरू हो जाता है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है और इसको देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है, अगर वे खुद से इसको बनाएंगे और इसको ऐसे घूमते हुए देखेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। इसके लिए आप अलग अलग शेप के कुछ भी अलग अलग शेप के वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। अब उसको हटा देंगे हम। अब ये देखिए, ये भी लोहे का होता है, जो हमारा स्टील वायर होता है, घरों में इस्तेमाल होता है बिजली फिटिंग में। उससे हमने एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया है एस शेप में। अब इसको रख देंगे इसके। ये लगातार ऐसे घूमता रहता है और इसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब इसको हटा देंगे हम। यहाँ पे एक सिक्का लिया है हमने, 1 रुपये का सिक्का है ये। ये सिक्के आजकल बंद हो गए हैं, तो इनका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए, सिक्का भी राउंड एंड राउंड घूमना शुरू कर देता है। अलग अलग शेप के आकार के तार आप ले सकते हैं। ये देखिए, हमने स्नेक के आकार का एक लिया है,
तार इसको रखेंगे तो ये भी स्नेक की बात ही आगे पीछे होता रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये बड़ा ही घर में पड़ी बेकार की चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने कितना सुंदर सा खिलौना बनाया है। अगर बच्चों को इनके बारे में बताया जाएगा तो बच्चे खुद ही इनको बनाना सीख जाएंगे और इस तरह से बच्चे घर में पड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को इस बारे में मोटिवेट करें और बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के भी किसी से कम न रहें। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।